subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get the latest news updates by our channel. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसादे आज सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म अने न्यूज वेबसाइट माटे नवी गाइडलाइन जाहिर करी। सोशल मीडिया ना अब्यूज अने मिसयूज विरुद्ध यूजर्स ने तेमनी फरियादोना समय सीमा अंतर्गत निराकरण माटे एक फोरम मळवुं जोईए। ए माटे कंपनीओए एक व्यवस्था बनावी जोईए। सोशल मीडिया कंपनीओए फरियादो सांभळवा माटे एक अधिकारी राखवो जोईए अने तेनुं नाम पण जाहिर करवो जोईए। आ अधिकारी 15 दिवसनी अंदर फरियाद दूर करवानी रहेशे। जो फरियाद न्यूडिटी ना मुद्दे होय तो 24 कलाकनी अंदर ज तेनी साथे जोडायेली कंटेंट हटावी जोईए। जो तमे कोई सोशल मीडिया यूजर्सनी कंटेंट हटावो छो तो ते माटे तमारे पूरता कारणो आपवा पड़शे। खोटी कंटेंट पहली वखत कोणे नाखी छे ते पण जणावो पड़शे। रिमूव और डिसेबल करता है किसी यूजर के कंटेंट को तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। If you seek to remove the or disable access to the content of any social media user, you are required to give him reasons and also hear him. ये हमने एक प्रोविजन रखा है। मित्रों, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इम्प्रूव कर लें। We'll be giving a window for 3 months for significant social media and the rest will come into effect from the day the rules are notified. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारी सामने फरियाद आई थी कि सोशल मीडिया क्रिमिनल आतंकवादी हिंसा फैलावना लोगों ने प्रमोट करतो प्लेटफॉर्म बनी गयो छे। भारत में व्हाट्सएप ना यूजर्स 50 करोड़ छे, फेसबुक ना 41 करोड़ यूजर्स छे, इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या 21 करोड़ और ट्विटर ना 1.5 करोड़ यूजर्स थी गया छे। आ सोशल मीडिया ना खोटा उपयोग अने फेक न्यूज नी फरियादो आवी छे। आ चिंताजनक वात हती, तेथी अमारी सरकारे आवा प्लेटफॉर्म माटे गाइडलाइंस तैयार करवानो निर्णय लीधो छे।